ईरान में फंसे हुए ज़्यादातर भारतीय या तो एक धार्मिक यात्रा पर थे, या मछुआरे थे, या स्टूडेंट्स थे। लेकिन उसके अलावा ईरान में एक खासी बड़ी तादाद है भारतीय वर्कर्स की भी, जो वहाँ की फैक्ट्रियों में, स्टील प्लांट्स में, कारखानों में काम करते हैं। उनमें से कुछ ने हमसे संपर्क किया है और हमें अपनी सिचुएशन के बारे में बताया है और हमें अपने हालात भी दिखाए हैं। सर, ये तेहरान काशान हाईवे सर, अभी ट्रांसपोर्ट चालू है, नीचे जा रहा है सर अर्देस्तान, यहाँ अर्देस्तान जा रहा है सर, जहाँ हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, मतलब जो खाने पीने के लिए बिस्किट्स वगैरह कुछ लेते हैं सर, टॉफी वगैरह, वो ये है सर आसमान पेट्रोल पम्प, आसमान पेट्रोल पम्प है सर, इस कैम्प में, वो कैम्प है सर, इस कैम्प का नाम है पर्सियन कैम्प का नाम है सर। अभी 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 ट्रांसपोर्ट पूरा चालू है सर, आप देख सकते हो सर ट्रांसपोर्ट चालू है अभी, और सर वो जो दिख रहे हैं सर वो हमारी कंपनी है सर, ये हमारी कंपनी है सर, कबीर स्टील कोऑपरेटिव लिमिटेड, कास्को कर के कंपनी है सर हमारी। अक्टूबर महीने में ईरान में आया था काम करने के लिए, जो कि यहाँ कोरोना वायरस के चलते हम लोग फंस गए हैं, और कोरोना वायरस का प्रकोप इतना तेजी से यहाँ फैल रहा है, हम लोग डेढ़ महीना हो गया रूम में बैठे, आप देख रहे हैं कि ये लोग 6-7 आदमी हैं एक ही रूम में, बाकी सब 10-15 लोग दूसरे रूम में हैं, बाकी टोटल लोग यहाँ पे 65 हैं। कुछ लोग वहाँ से यहाँ भेज दीजिए हमारे ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि हम यहाँ से नहीं जा सकते वहाँ तक। जो इंडियन वर्कर्स ईरान में फंसे हुए हैं, हमने भारत में उनकी फैमिलीज से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि उनकी फैमिलीज उनसे संपर्क कर पा रही हैं या नहीं, और किन हालातों में उनके परिवार भारत में हैं। कैसे भी करके उन लोगों को ईरान से यहाँ भेजने की कृपा कीजिए, क्योंकि वो जंगल में फंसे हैं और उनको कंपनी भेज नहीं रही है, और उधर कोरोना वायरस का बहुत प्रकोप हो रहा है और हमारे लड़के बहुत घबराए हुए हैं, फंसे हैं ईरान में। कोरोना के रोग में सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों में से कुछ के परिवार वालों ने आखिरकार चिंता के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सरकार से मामले में इंटरवेंशन की मांग की। विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें बताया गया है कि करीब 6,000 से ज़्यादा भारतीय ईरान में फंसे हुए थे, उनमें से 1,100 से ज़्यादा को भारत वापस बुला लिया गया है और उन सभी में कोरोना वायरस का टेस्ट निगेटिव पाया गया है। विदेश मंत्रालय ने हमसे बताया है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, बॉर्डर्स खुलेंगे, वो दोबारा से जो फंसे हुए लोग हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे। इस बीच एक दूसरी बात जो भारतीय मिशन और एम्बेसीज हैं बाहर, दूतावास है, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन लोगों से रीच आउट, उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो फंसे लोग हैं वो अपने को रजिस्टर करा सकें, ताकि उनके बारे में पता चल सके। बड़ा सवाल यही उठता है कि सिचुएशन नॉर्मल कब होगी, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और इस दरमियान जो लोग बाहर फंसे हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।